वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं कुछ अपडेट लेकर आई हूँ। यहाँ पे रियलमी की तरफ से अपकमिंग में एक स्मार्टफोन से उसके बारे में बात करने वाले, फुल डिटेल के साथ बात करने वाले, क्योंकि यहाँ पे इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई है। तो यहाँ पे प्रोसेसर के होने को जा रही है और साथ ही साथ ये कौन सी वेरियंट में, किस वेरियंट में है और कब वो लॉन्च करने को जा रही है उसके बारे में अपडेट आ चुकी है रियलमी की तरफ से अपकमिंग में जो स्मार्टफोन से। तो आपको तो पता है रियलमी की तरफ से बैक टू बैक स्मार्टफोन्स वगैरह आते रहते हैं और इंडिया के लिए भी जल्दी आ जाते हैं। तो रियलमी के 10 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। अपकमिंग्स में है, कमिंग सून, जल्दी आने वाली है। यहाँ पे पोस्टर वगैरह भी आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। रियलमी 10 सीरीज के स्मार्टफोन से दोनों वेरियंट में आने वाली है, दोनों स्मार्टफोन्स होगी। एक है रियलमी 10 प्रो प्लस और एक रियलमी 10 जो है। ये जो स्मार्टफोन से यहाँ पे प्रोसेसर भी आ चुकी है कि कौन सी प्रोसेसर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है मीडियाटेक का प्रोसेसर होने को जा रही है। एक ही होगा मीडियाटेक डायमंड सिटी का, दूसरा जो होगा मीडियाटेक हेलियो वाला प्रोसेसर है। दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है, एक डायमंड सिटी और एक नॉर्मल मीडियाटेक का जो हेलियो वाला प्रोसेसर है, लेकिन दोनों स्मार्टफोन से मीडियाटेक का ही प्रोसेसर देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ 125 रिफ्रेश रेट है, 50 मेगापिक्सल के साथ यहाँ पे ट्रिपल सेटअप होने को जा रही है। और ये जो स्मार्टफोन से यानी कि रियलमी 10 सीरीज के जो स्मार्टफोन से वो चाइना में नवंबर 3 तारीख को देखने को मिलने वाली है, नवंबर 3 को वो देखने को मिलने वाली है। और देखते हैं ये स्मार्टफोन कब इंडिया में आने वाली है, क्योंकि मतलब शुरू में लॉन्च कर देंगे 3 को, तो हो सकता है मिड में या फिर लास्ट में वो इंडिया में देखने को मिलने वाली है। और देखना बाकी है कि वो किस प्राइस के साथ और किस वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने को जा रहे हैं। तो अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ। रियलमी 10 सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया के लिए बाद में तो आने वाले हैं, लेकिन पहले चाइना में लॉन्च करने को जा रहे हैं, जो कि नवंबर 3 को देखने को मिलने वाली है। और साथ ही मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं और क्या अपडेट आती रहती है। तो कोई भी अपडेट है मैं आपके साथ जरूर शेयर करना पड़ी। अगर चाहते हैं फ्यूचर में इसी तरह अपडेट रहने के लिए, नए नए वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये अपडेट कैसी लगी।